गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मॉडल, और मॉडल में हमने इसके जो रूल्स होते हैं वो किए थे कि किस प्रकार से इसमें जो मॉडल होते हैं उनके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं होता, ईडी का यूज़ नहीं होता। ओके स्टूडेंट, और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट एक सेल का यूज किया था, और उसका जो टाइप था वो रह गई थी, तो उसे कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन इंटरोगेटिव, इन इंटरोगेटिव्स it is used with the first person, as you know students, first person I or V, these are first person examples. Shall I use your pen? Shall I use your pen? अब स्टूडेंट, शैल आई यूज योर पेन, इस वाक्य में शैल आई यूज योर पेन तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट? क्या मैं आपका पेन का उपयोग कर सकता हूं? तो इसमें क्या परमिशन ले रहा है? परमिशन की बात हो रही है इसमें, है ना स्टूडेंट? तो शैल आई यूज योर पेन से बोलते ना, शैल आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन का उपयोग कर सकता हूं? तो इसमें परमिशन ले रहा है, तो ये क्या है? परमिशन शो करता है। ओके, तो ये क्या है? परमिशन, परमिशन, अनुमति शो कर रहा है। नेक्स्ट, Shall we be wasting our time? ये क्या है? Shall we be wasting our time? ये future tense, future tense. Shall I go with you on a picnic? Shall I go with you on a picnic? Expectation, उम्मीद, उम्मीद की है उसने, क्या मैं आपके साथ पिकनिक पर चल सकता हूं? तो ये क्या है? एक उम्मीद है उसकी। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशन शो कर रहा है। ओके, तो ये जो स्टूडेंट सेल का यूज है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट सेल का जो पास्ट होता है, पास्ट ऑफ सेल is should. Past of sale is should. क्या होता है? Should होता है. ओके, क्या होता है? Should. तब should के बारे में बात करेंगे।
यूज्ड ऑफ शुड शुड का जो हिंदी अर्थ होता है स्टूडेंट वो होता है चाहिए. क्या होता है? चाहिए. शुड का हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहिए. शुड इज यूज्ड with suggestion should is used with suggestion advice inference and moral duty. It is should is used with suggestion sujhav advice salah inference paramarsh aur moral duty netik करते हैं. शुड इज यूज विद सजेशन एडवाइस इन्फ्रेंस मॉरल ड्यूटी इट इज एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स यू should respect your teacher. You should respect your teacher कि आपको अपने अध्यापक की respect करनी चाहिए. तो ये क्या है? Moral duty है, नैतिक कर्तव्य. Moral ड्यूटी. और ध्यान देना स्टूडेंट कि शुड क्या है? मॉडल. शुड क्या है? मॉडल. और मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब का यूज किया जाता है. इसके साथ में प्लस में आईएनजी और ईडी का यूज नहीं होता है. ये होते हैं रॉ. ओके. शुड के बाद जो मॉडल होता है उसके बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है. इट मींस कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज. ओके. ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, न कि प्लस में आईएनजी और न ईडी का यूज किया जाता है. Rita should not go there at night. Rita should not go there at night. ये क्या है? Suggestion. Sorry, advice. Advice. सलाह दी. ये क्या है? सलाह दी. रीटा शुड नॉट गो देयर इट नाइट कि रात के समय आपको वहां नहीं जाना चाहिए. अब ये क्या स्टूडेंट? नहीं जाना चाहिए, नहीं जो आ गया तो इट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंस दे रहा है. ओके. और नेगेटिव सेंस दे रहा है तो ये जो मॉडल है अभी ये क्या बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है. और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मॉडल के बाद जो मॉडल होते हैं, ओके, जितने भी मॉडल्स होते हैं, चाहे सेल शुड विल वुड मे माइट नीड और
यूज टू आउट। इनके बाद अगर नोट का यूज होता है, मोडल्स के बाद अगर नोट का यूज होता है तो वो कौन सा बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये जैसे मॉडल है और मॉडल के बाद नोट का यूज हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके तो रीटा शुड नॉट गो देयर एट नाइट, कि रीटा को वहां रात के समय नहीं जाना चाहिए, तो ये इस सेंटेंस में क्या शो कर रहा है? एडवाइस शो कर रहा है, सलाह शो कर रहा है, सलाह दे रहा है। नेक्स्ट दे शुड कीप देयर वर्ड्स, दे शुड कीप देयर वर्ड्स, कि उनको अपनी बात रखनी चाहिए, कि उनको अपनी बात रखनी चाहिए। तो ये क्या है? परामर्श सही है, इन्फ्रेंस परामर्श। सजेशन, अब बात करते हैं सजेशन की। सजेशन मीन सुझाव देना। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि अब उसने इस सेंटेंस में क्या दिया है? सुझाव, सजेशन दिया कि तुम्हें सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सुझाव। सुझाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सजेशन, सजेशन। तो ये सजेशन, एडवाइस, इन्फ्लुएंस, मॉरल ड्यूटी वाले इस प्रकार से अगर सेंटेंस में सो हो तो शुड का यूज किया जाता है। यू रिस्पेक्ट योर टीचर, इसमें क्या सो रहे? मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य सो रहा है, शुड का यूज होगा इसमें। रीटा शुड नॉट गो देयर एट नाइट, एडवाइस दी जा रही है तो शुड का यूज किया हमने। दे शुड कीप देयर वर्ड्स, कि अपनी बात को रखनी चाहिए तो इन्फ्लुएंस है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सजेशन है, सुझाव दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है आफ्टर लिस्ट। आफ्टर लिस्ट, कि लिस्ट के बाद शुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है आफ्टर लिस्ट। एग्जाम्पल वॉक स्लोली लिस्ट, यू शुड स्लीप। वॉक स्लोली लिस्ट, यू शुड स्लीप, कि आप धीमे चलिए अन्यथा आप स्लीप हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो यहां पर शुड किया आफ्टर लिस्ट, लिस्ट के बाद शुड का यूज किया जाता है। डू एक्सरसाइज लिस्ट, यू शुड फॉलो। डू एक्सरसाइज, आप
व्यायाम कीजिए, अन्यथा आप बीमार हो जाएंगे। तो लिस्ट और उसके बाद शुड का यूज होता है। तो ये शुड वाला यहां पर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है विल। Use of will. कि will का जो future tense में use किया जाता है और will का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है गागेगी in future tense। तो सबसे पहले will is used with will is used in future tense. Will is used in future tense. First will is used in future tense. You will go to school tomorrow. He will teach you it will not cost more. The government will face the situation. तो use of will, will is used in future tense. कि future tense में किस प्रकार से will का use किया जाता है, कि you will go to school tomorrow, he will teach you second or third person के साथ students in future tense, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है। किसमें? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में ध्यान देना स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज किया जाता है? विल का यूज किया जाता है। और फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किसका यूज किया जाता है? सेल का यूज किया जाता है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब नेक्स्ट की सेकेंड और थर्ड सॉरी फर्स्ट पर्सन के साथ, कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं जिनके साथ फ्यूचर टेंस में सेल का यूज किया जाता है, और यहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ जो कि आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, उसके साथ विल का यूज किया जाएगा। कब? इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस और विश।
ओके स्टूडेंट, एंड देन वी कैन यूज विल विद फर्स्ट पर्सन. With used with used